हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला वीकली टेस्ट 14 दिसंबर 2023 को है और उस दिन सोशल साइंस का होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका टेस्ट में 40 out of 40 आराम से आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज करता है, बताना है। पहला देखिए एल्युमिनियम, दूसरा सीमेंट, तीसरा प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है मोटर गाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीमेंट। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है या प्रयुक्त करता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? पहला ऑप्शन है हेल, दूसरा ऑप्शन टाटा स्टील, तीसरा ऑप्शन है सेल, चौथा ऑप्शन है MNCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसको याद रखिएगा, सेल। एक ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीन नंबर की ओर। निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्युमिनियम प्रगलन, दूसरा है कागज, तीसरा है सीमेंट, चौथा है स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार नंबर की ओर। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं? कौन सा उद्योग है जो दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है एल्युमिनियम प्रगलन, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कंप्यूटर बनाता है, दूरभाष बनाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पाँच नंबर। पाँच नंबर का क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हल्का उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, तीसरा कृषि आधारित उद्योग, चौथा ऑप्शन है आधारभूत उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आधारभूत उद्योग। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला छः नंबर की ओर। छः नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति कहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सात नंबर की ओर। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन यानी कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा है आर्कराइट, तीसरा फोर्ड, चौथा निकल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स वाट। इसे आप लोग याद रखिएगा, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन यानी कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिससे पहले रेलगाड़ी ये सब चलता था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला आठ नंबर, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा है निकल्सन, तीसरा जेम्स हारग्रीव्स, चौथा रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई थी। अब देखिए नेक्स्ट नौ नंबर। नौ नंबर का क्वेश्चन है, बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1855, 1856, 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1854 में बम्बई में पहला सूती वस्त्र मिल का स्थापना हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट दस नंबर, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को
क्रोधित कर दिया था। पहला ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी, दूसरा भूमिगत रेलवे, तीसरा स्टीम इंजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला स्पिनिंग जेनी, क्योंकि पहले महिलाएं काम करती थी, महिलाओं को हटाकर मशीन लगा दिया गया तो महिलाएं क्रोधित होकर विरोध करने लगी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला नंबर बढ़ते हैं हम लोग, अगला नंबर है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा सोना, चौथा जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बॉक्साइट। बॉक्साइट वैसे आप लोगों से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा एमसीक्यू में, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से अच्छा रहता है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा कौन सा खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? पहला देखिए बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क, चौथा तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभ्रक। कोडरमा में अभ्रक काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? पहला ऑप्शन है तलछट्टी चट्टाने, दूसरा ऑप्शन है आग्नेय चट्टाने, तीसरा ऑप्शन है कांतरित चट्टाने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तलछट्टी चट्टाने। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इन चट्टानों के जो स्तर है उसमें खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन है खनिज तेल, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है थोरियम, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? कौन सा खनिज कठोर है बताना है, कौन सा खनिज कठोर है? पहला बॉक्साइट, दूसरा हीरा, तीसरा लोहा, चौथा सेल खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हीरा। हीरा से तो मजबूत, हीरा से कठोर पूरी दुनिया में कोई भी तत्व नहीं है, ठीक है, कोई भी वस्तु नहीं है, तो हीरा सबसे कठोर है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, सब्जेक्टिव 6 पूछा जाएगा, हम लोग यहाँ पर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताएं, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय का नंबर, ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के विकल्प विकसित किए जाने चाहिए, ख नंबर, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन, अतः जहाँ तक संभव हो सके ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम लोग ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण कर सकते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, लौह और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लौह और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इस पर अनेक अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है, जैसे भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी, औजार, जलयान निर्माण उद्योग, भारी मोटर गाड़ियां निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ एवं भारी विद्युत उपस्कर, रेलवे इंजन, उर्वरक, रक्षा सामग्री आदि। तो देखिए लौह और इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधारभूत है, क्योंकि जितना भी उद्योग आप देखिएगा उसमें लोहा कहीं ना कहीं यूज होता है, किसी ना किसी रूप में होता है, तो इसलिए लोहा जो उद्योग है, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, इसको उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर,
तीन नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जेनी मशीनों पर हमला किए, व्याख्या करें। ब्रिटेन में जो काम करने वाली महिलाएं थी, स्पिनिंग जेनी जो मशीन था उस पर हमला कर दिया, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए क नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। फिर देखिए ख नंबर, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। फिर देखिए ग नंबर, जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों को हाथ से उनकी कताई करनी थी को काम से हटाना पड़ा, यानी कि जो काम करती थी उसे उन महिलाओं को हटा दिया गया, इस कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चार नंबर की ओर, चार नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम या पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो इसका उत्तर देखिए, पहला विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, यहाँ पर क्यों को नहीं लिखना है, बढ़ा, इसके अनेक कारण दिए जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, क नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। ब्रिटेन अपने ही मतलब युद्ध में उलझ कर रह गया, जिससे ब्रिटेन से सामान सब नहीं आया भारत, तो भारत में तो सामान का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए भारत में उद्योग को मतलब उद्योग को पनपने का अवसर मिल गया। फिर देखिए ख नंबर, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसीलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। यही सब कारण है जिससे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक काफ़ी तेज हो गया। अब देखिए पाँच नंबर का क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर बताएं, तो इसका उत्तर देखिए, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर, आपको पेज में इस तरीके से बीचों बीच लाइन खींच लेना है, एक और लिखना है परंपरागत ऊर्जा, दूसरा और लिखना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए पहला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखिए ए नंबर, यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऊर्जा के साधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है। फिर देखिए गैर परंपरागत स्रोत ए नंबर, यह भी प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले हैं किंतु इनका आज के संदर्भ में महत्व बढ़ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ये समाप्त होने वाले साधन हैं। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा में देखिए बी नंबर, ये कभी न समाप्त होने वाले साधन हैं। फिर देखिए सी नंबर, परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। फिर वहीं पर देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे गोबर मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक देखते हैं हम लोग डी नंबर, यह ऊर्जा का सुविधाजनक और बहुप्रचलित रूप है। वहीं पर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन इनका उपयोग व्यापक और बड़े पैमाने पर नहीं होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, छठा नंबर देखिए, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, भारत का तो जूट मिल है वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, भारत की
अधिकांश जूट मिलों के पश्चिम बंगाल में स्थित होने के निम्न कारण हैं। ए नंबर, पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती काफ़ी होती है, इसीलिए इन उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है। फिर ख नंबर देखिए, कोलकाता बहुत बड़ा महानगर है जिसके कारण पटसन से बनने वाली बोरी और वस्त्रों की खपत हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, बंगाल में आबादी अधिक होने के कारण इन उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, बंगाल में यातायात के साधनों का काफ़ी विकास हो चुका है, इसलिए यहाँ के उद्योगों तक कच्चा माल को लाने और जूट से बने सामान को बाहर भेजने में आसानी होती है। तो यही सब कारण है जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट मिल है वो पश्चिम बंगाल में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो 40 out of 40 आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।